और ये वक्त भी ऐसा है कि लोग अपने दफ्तरों से वापस लौटते हैं और उसके बाद वो केवल आराम करना चाहते हैं, और ऐसे में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त नींद में ही होंगे। लेकिन ये चार तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ की ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6.4 तीव्रता का भूकंप यहां पर मापा गया है। भूकंप का केंद्र जाजरकोट नेपाल के काठमांडू में बताया जा रहा है। हालांकि वहां पर कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जो जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन वहां से पंकज दास हमारे साथ जुड़े हुए थे काठमांडू से लगातार, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से वहां से भी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी तो वापस उनको लौटना ही पड़ा है। हालांकि कितना नुकसान वहां पर इस वक्त हुआ है, इससे पहले भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनका सेंटर नेपाल कई बार रह चुका है। साल 2013 में भी वहां पर काफी भयानक भूकंप आया था और उस वक्त वहां काफी सारा नुकसान हुआ था। अमित इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या तस्वीर आपने देखी उस वक्त, आप कहां पर थे जब भूकंप अचानक से आया? देखिए, इस जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त मैं अपने घर पे ही था, घर पे था तो मुझे महसूस हुआ कि भूकंप आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल के जो आसपास के जो जिले हैं, खासतौर से अगर हम बात करें महाराजगंज का जिला, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, ये जो तमाम जिले थे जो नेपाल से सटे हुए थे, यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा महसूस किया। जो इनपुट इस वक्त मुझे आ रहे हैं, जान माल की तो कोई खतरी नहीं है, लेकिन हाँ जरूर लोग डर गए थे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। खासतौर से लखीमपुर जिले में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, और खासतौर से पुलिस थाने में जो दिन भर का काम किए हुए जो सब इंस्पेक्टर और ASI रैंक के जो अधिकारी थे वो उस वक्त खाना खा रहे थे। एक थाने में मेरी बात हो रही सो भी रहे होंगे, लेकिन क्या अब भी लोग बाहर मौजूद हैं या अपने घर वापस लौट चुके हैं? देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये कॉलोनी की तस्वीर है और मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ी देर पहले इस कॉलोनी में जाहिर तौर पे लोग घरों से बाहर निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है घर अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। और लोगों का यह मानना है कि आम तौर पे हर 15 दिन 20 दिन महीने भर में लखनऊ में भूकंप के झटके आ जाते हैं। वजह साफ है, पिछली बार भी जब भूकंप के झटके आए थे तो नेपाल उसका केंद्र था, उस दौरान भी हमने देखा था कि लोग घरों से बाहर निकल आए थे, लोग सीख चुके हैं, इसी वजह से लोग बार बार घरों से बाहर निकल आते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो है लोग अपने घरों के अंदर चले गए हैं, लेकिन लोगों ने जो महसूस किया भूकंप के झटके, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो बहराइच जिले का जो इनपुट है, बहराइच, श्रावस्ती, जो नेपाल से ठीक सटा हुआ इलाका है, इन जिलों के लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि इसको हर किसी ने महसूस किया है। ये वैसा समय होता है जब लोग अपने दफ्तरों से आके जो बिजनेस, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल थे जहां पर बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल का जाजरकोट का वो इलाका था जो कि मेन केंद्र, मेन एपिसेंटर था इस पूरे भूकंप का। मोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका, आप उस वक्त क्या कर रही थी, क्योंकि भूकंप का जब भी झटका आता है तो उसको महसूस तो हम कर लेते हैं लेकिन कुछ वक्त बाद, आप उस वक्त क्या कर रही थी, आपको कैसे पता चला कि भूकंप आया? बिल्कुल शिवानी, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे और अमूमन जैसे आज तो वैसे फ्राइडे नाइट है, कुछ लोग अपने घरों से बाहर है, लेकिन मैं अपने डिनर के बाद बस अपने बर्तन कुछ रखी रही थी, मुझे महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपने किचन में गई तो मेरे बर्तन हिलने लगे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से गई, मैंने देखा, लेकिन जब मैं बाहर आई अपने ड्राइंग रूम में तो मैंने देखा कि मेरा जो पंखा है वो बहुत तेजी से हिल रहा है और बाहर जो है शोर आना शुरू हो गया मेरे सोसाइटी में। तो घबरा के जब मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा तो सोसाइटी के तमाम जो लोग हैं वो घबराए हुए थे और वो नीचे आ रहे थे और बार बार यही मुझे कुछ सुनाई दे रहा था कि शायद भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार उसके जो आफ्टर शॉक्स आए वो काफी तेज आफ्टर शॉक्स आए थे और जैसे ही मुझे वो महसूस हुए तो मैं भी अपने सोसाइटी वालों के साथ नीचे आ गई और यहाँ पर आम लोग जो थे वो आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि भूकंप के तेज झटके बार बार दिल्ली में आ रहे हैं और अब उन्हें एहसास होने लगा है। पहले तो एहसास नहीं होता था जब भूकंप के तेज झटके आते थे, लेकिन अब बार बार आ रहे हैं, एहसास होने लग गया। इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर भूकंप के झटके और महज एक ही महीने में, ये मुझे लगता है पिछले महीने 3 अक्टूबर की बात थी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे दिन के वक्त, और ठीक एक महीने बाद आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है, और रात के वक्त हमें भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं। अमित, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपने भूकंप के झटकों को महसूस किया? देखिए, जिस वक्त मैंने भूकंप का झटका तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाऊंगा,
क्योंकि उस दौरान मैं घर पे डिनर कर रहा था, मुझे एहसास हुआ पंखा हिलता हुआ मुझे दिखा और जहां मैं डिनर कर रहा था मुझे एहसास हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि कई लोग सड़कों पर आ चुके थे और तुरंत कुछ लोग कुछ शुभचिंतक थे जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में थे, उन्होंने वहां से फोन किया सबसे पहले और बताया कि वहां काफी ज्यादा तेज वहां भूकंप महसूस किया है। अमित आपके पास वापस लौटूंगी, आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद आप क्या उस वक्त कर रहे थे जब भूकंप के झटके आपने महसूस किए? देखिए मैं इस वक्त ग्रैंड अजनारा सोसाइटी में हूँ, मेरे साथ कुछ यहाँ के रेसिडेंट भी हैं, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। मैम अभी आपको क्या कुछ अर्थक्वेक के ऐसा कुछ लगा फील हुआ था? बहुत तेज मैं थोड़ा बताएंगे, न्यूज 18 पे लाइव चल रहा है। भूकंप आई थी समय पहले और वो बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी में थी और हमने देखा। मैं मेरी सोसाइटी से फोर्थ रहता हूँ N401 में, यहाँ से तमाम लोग बाहर निकल रहे थे। आपने क्या फील करा यहाँ पर? काफी अफरा तफरी का माहौल था। हाँ जी काफी अफरा तफरी का माहौल था, बट मुझे तो लगता है कि जैसे मैं 21st फ्लोर पे रहती हूँ तो बेटर है कि आप अपने घर पे ही रहें और बाहर ना निकलें, और जब भूकंप शांत हो जाए तो उसके बाद आप भले ही आ सकते हैं। हाँ थोड़ा सा लोग पैनिक हो रहे थे, मैं भी देख रहा था कि नीचे बच्चों को लेके नीचे आ रहे थे। तो शिवानी आप देख सकते हैं ये ग्रैंड अजनारा सोसाइटी है, मैं यहाँ पर रहता हूँ और अभी मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही घर में जब एंटर करा तो मेरा पंखा है जो बिना ऑन एयर करे भी काफी हिल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो लेडीज हैं वो बता रही थी कि किस तरह से भूकंप के झटके यहाँ पे थे, लेकिन अभी यहाँ पर माहौल एकदम शांति प्रिय है और थोड़ा सा लोगों के अंदर पैनिक था, लोग एकदम नीचे भागे हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जब अब भूकंप खत्म हो गया है तो लोग अपने वापस घरों में चले गए हैं। लेकिन अभी 10 मिनट पहले का जो मंजर था वो काफी भयावह था, लोग एकदम भागे हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे और एक लेडीज बता रही है कि वो 21वें फ्लोर पे रहती है और वहां से नीचे अभी जो है पैदल चल के आई है वो। जी यानी कि लोगों के मन में डर था और अब भी कहीं ना कहीं दहशत है, लोग घर वापस लौटे या फिर नहीं लौटे इस असमंजस में तो है, क्योंकि दोबारा आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं या दोबारा भूकंप के झटके भी यहाँ पर महसूस किए जा सकते हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को जब आया था तो एक ही पल में 3 या 4 बार भूकंप के झटके एक के बाद एक महसूस किए गए थे और आज 3 नवंबर है, लगभग एक ही महीने बाद ये दूसरी बार है कि भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए जा रहे हैं। लखनऊ से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोनिका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है और आनंद भी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वहां पर जिन जिन सोसाइटीज में वो लोग रह रहे थे किस तरीके से वहां से भी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर वापस बाहर निकले। आपसे जानना चाहूंगी अमित, क्या कुछ नुकसान की भी आशंका वहां पर जताई जा रही है भूकंप की वजह से लखनऊ या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में? देखिए सबसे अच्छी बात है कि नुकसान की खबर अभी तक कहीं से नहीं आई है, कहीं से नहीं आई है नुकसान की खबर। और खास तौर से जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ से कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं आई है, कहीं से जानमाल की क्षति नहीं है। यहाँ एक बात तो कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं उससे लोग सचेत जरूर हुए हैं और जैसे ही किसी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं पहले एक घर से कोई बाहर निकलता है, उसके बाद तमाम जितने भी घर होते हैं कॉलोनी में या फिर दिन के वक्त आता है तो लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलकर सड़क पे आ जाते हैं। लोग जो प्रोटोकॉल है भूकंप का उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, खुले जगह में जा रहे थे, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से हमने देखा है। एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं, देखिए अभी मैं आपको यहाँ इस सड़क की तस्वीर दिखा रहा हूँ, अभी आपको सन्नाटा यहाँ पर दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे तो हर कोई अपने घरों से बाहर निकल आया था और सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीर खींची हुई थी, सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैं इस वक्त एक घर में हूँ, देखिए इस घर की लाइट अभी भी जल रही है, आमतौर पर इस घर की लाइट बंद हो जाती है 12 बजे के आसपास, लेकिन आज अभी तक लाइट जल रही है, यानी लोग डरे हुए थे। अभी भी जाहिर तौर पर हर कोई अपने घरों में बात कर रहा होगा उस पल का जब उन्होंने महसूस किया कि किस तरीके से उन्होंने क्योंकि